नमस्कार मित्रों, शिक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और पूरी इसमें प्रोसेस सुने। तो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि तृतीय काउंसलिंग जो है, थर्ड काउंसलिंग जो है, वो ज़रूर होगी। तो कई स्टूडेंट ने अब्द भाषा का प्रयोग भी किया था, लेकिन उनका भी वो सही है कि पहले इसमें कोई नहीं आई थी, न्यूज़ नहीं आई थी। अभी इसमें न्यूज़ आ गई है कि थर्ड काउंसलिंग होगी और ये तृतीय काउंसलिंग ज़रूर होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। तो आपको यदि ये खुशखबरी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीटीए संबंधित पल पल की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए मैं आपको बताऊँगा कब होगी, कैसे होगी और कहाँ पर ये तृतीय काउंसलिंग है जिसकी सीटें ज़्यादा है, और वहाँ से आप फॉर्म भरे। तो दोस्तों, आज का जो ये न्यूज़पेपर है, मैं आपको इसकी डेट दिखा देता हूँ। ये दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर है, आप देख सकते हो, ये 4 अगस्त 2018, आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हो। दोस्तों, ये दैनिक भास्कर का है और अजमेर का ये पेपर है। तो इसमें जो मैं आपको प्रश्न संख्या बता देता हूँ, उस पर जाके आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ये रही इसकी प्रश्न संख्या, ये 16 पे ये आज न्यूज़ आई हुई है। तो ये न्यूज़ क्या आई है मैं आपको बताता हूँ, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि थर्ड काउंसलिंग जो है वो आपके लिए होने वाली है। तो है राज्य भर में 20,000 सीटें खाली, हाईकोर्ट के आदेश पर होगी पीटीए की तीसरी काउंसलिंग की तैयारी। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि तीसरी काउंसलिंग, केंद्र व राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ बेरोजगारी मिटाने भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन ये राज्य सरकार पूरी तरह नहीं उतर रही है। तो ये यूनिवर्सिटी का कहना है, तो ये ज़रूर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया, हाईकोर्ट का मेन ये हाईकोर्ट का कहना। हाईकोर्ट में काफ़ी स्टूडेंट गए थे, तो उसके लिए है, हम भी यही चाहते थे कि ये थर्ड काउंसलिंग जो है वो हो। तो इसमें अब पहली दूसरी काउंसलिंग बावजूद 20,000 सीटें खाली है, दोस्तों आपको इसमें बहुत बड़ा मौका है, आपको सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा है कि 20,000 सीटें इसमें खाली है। पिछले वर्ष भी थे यही हालात, बी एड की पहली और दूसरी काउंसलिंग होने बावजूद दाखिले से जुड़ी समस्त प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी राज्य भर में करीब 20,000 सीटें खाली है। पिछले वर्ष भी बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह गई थी, तब पीटीआई में अपीयर होने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए दाखिले खोल दिए गए थे, लेकिन फिर भी सीटें खाली रह गई थी। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा, पीटीआई सामने प्रो बीपी सारसो ने बताया कि सरकारी वकील ने जानकारी दी है कि हाईकोर्ट से रिक्त सीटों को भरने के लिए तीसरी काउंसलिंग कराने के निर्देश मिले हैं। उस शिक्षा ने उनके लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया था, इस पर वह निर्देश दिए है 14 अगस्त से पहले ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो दोस्तों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि एक दो दिन के अंदर ही ये काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही शुरू होगी, मैं आपको इस चैनल पे बता दूंगा कि काउंसलिंग शुरू हो गई है दोस्तों। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबा लेना। और दोस्तों, इसमें 20,000 सीटें खाली है, तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा मौका है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और साथ में कमेंट भी कर देना है दोस्तों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि आपको ये खुशखबरी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।